हेलो गाइस सर, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस सर, आज मैं लेके आया हूँ नूडल टेस्टिंग। तो गाइस आज हम करने वाले हैं ये सब नूडल टेस्टिंग, मैगी, यप्पी और बहुत सारी वैरायटी हमारे पास है जिसको हम यहाँ टेस्ट करेंगे और उसके हिसाब से आपको रेटिंग बताएंगे कि कौन सी आपको प्रीफर करनी चाहिए, कि कौन सी आपको खानी चाहिए, हम आपको बताएंगे। तो गाइस सर, आज हमारे साथ है शैलेश, सौम्या, मैं सौम्या मेरा नाम सबने बदनाम कर रखा है, सौम्या नहीं हूँ, मैं सौम्या हूँ। नाम से क्या करना है उनको, जो भी करना है ठीक है। तो गाइस सर, यहाँ पे है राहुल और मैं। तो गाइस सर, अभी हम इसको थोड़ी देर में रेडी करेंगे। और गाइस मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, अभी तक मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी तक 50% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज गाइस, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, कर लेना यार। तो गाइस सर, चलो अभी हम रेडी को बनाते हैं इसको नूडल्स को, और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि कौन सी कैसी है। और यहाँ पे हमें सबसे चीपेस्ट से लेके एक्सपेंसिव है, जैसे ये 10 रुपए की है, 15 की है, 20 की है, 25 की है, 30 की है। तो अभी हम उसके हिसाब से बताएंगे कि इसका जो रेट है वो सही है नहीं है। तो उसके हिसाब से हम जब सब बताएंगे, तो चलते हैं अभी इसको यहाँ पे बॉइल करने। चलो गाइस। तो गाइस यार, अभी हम बना रहे हैं मैगी और हमने यहाँ पे दो फ्राई पैन ले लिए है ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे चीपेस्ट मैगी से। तो सबसे चीपेस्ट है यहाँ पे जिप्पी और मैगी है, इन दोनों को सबसे पहले बनाते हैं। जल्दी बनाओ, इसको डाल दो पैकेट खोल कर। पैकेट से फट, हां ऊपर से खाना खा लो। हां गाइस सर, अभी यहाँ पे हमने नींबू सारा हुआ है, पहाड़ी लोग नींबू सारते हैं, हम भी सानते रहते हैं रोज। तो अभी मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ आपको, मतलब मैगी नहीं बन रही है तब तक ये टेस्ट करके बताता हूँ। ये देखिए, इसमें अनार, एप्पल और नींबू, सब कुछ बनाना, सब कुछ डाल रखा है। हो गई भाई, ये हो गया भाई, मौज मस्त है, बहुत ज्यादा मस्त। हम भी खा पाएंगे। यहाँ पे आंटी सबको नींबू सर्व करते हैं। अरे तो गाइस सर, जहाँ से यहाँ पे बन चुकी है येपी, येपी दिखने में काफी टेस्टी लग रही है। इसमें वेजेस होते हैं मसाले में, तो मसाले में वेजेस भी होते हैं, तो बहुत प्यारे दिखने की भी बहुत प्यारी लगती है और खाने में भी अच्छी होती है। अभी थोड़ी देर में चेक करते हैं और दूसरी मैगी बनाते हैं। हां वेट, यार हमारी मैगी लगभग तैयार हो चुकी है, सब नूडल्स तैयार हो चुके हैं, बस लास्ट दो बचे हैं और इसके बाद हम खाएंगे, बहुत मजा आएगा गाइस। और आपको भी अगर उसका टेस्ट का स्वाद लेना है तो सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी चैनल को। तो गाइस सर, ऑलमोस्ट हमने सब मैगी बना दी है, बस एक लास्ट मैगी बची हुई है सबसे महंगी वाली, तो उसको अभी बनाते हैं, बस दो बनने वाली है। और देखिए, इतने सारे लोग लाइन में खाने के लिए लगे हुए हैं, खाने के लिए। पर गाइस सर, इनको मिलने वाला कुछ नहीं है, इनको पता नहीं है अभी, इनको कुछ नहीं मिलेगा, सब मैं खा लाऊंगा, खाऊंगा नहीं, थोड़ा थोड़ा सबको दूंगा, सब टेस्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस सर, अब हम टेस्ट करने वाले हैं जीपी, और जीपी लगभग मैगी को एक तरीके से कॉम्पिटिटिव है उसकी, तक्कर। तो टक्कर देती है उसको हमेशा। और इसमें सबसे अच्छा खास लगता है इसकी जो वेजेस है, ये बहुत प्यारे हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये पता नहीं जो भी है सब्जियां, तो बहुत प्यारी लगती है। तो उसको टेस्ट करते हैं उसके बाद हम, खैर ये भी मुझे अच्छी लगती है दीदी, सॉरी भाई, चेक करिए और बताइए वहाँ रिव्यू दीजिए, शैलेश भाई देंगे इसका रिव्यू। राहुल भाई खाइए, नॉट बैड, मसाला मैगी के उससे हिसाब से थोड़ा कम है, लेकिन बहुत प्यारी है, लेकिन बहुत प्यारी है, थोड़ा सा मीठापन होता है इसमें, हल्का सा मुझे लगता है ऐसा। हाँ थोड़ा सा जीपी और मैगी तो आप खाइए खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बेस्ट मैगी है, सबसे चीपेस्ट है और सबसे अच्छी भी है। उसके बाद हम जीपी की एक और हमारे पास है, जीपी की है ये सॉसी मसाला, सॉसी मसाला लुकवाइज जो सबसे अच्छी ज़्यादा रेटिंग मैंने इसको दी है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सॉसी मसाला बहुत प्यारी लग रही है। और अब इसको टेस्ट करेंगे, ये देखिए इसका रंग पूरा रेड रेड है, तो काफ़ी स्पाइसी लग रही है, अब देखते हैं इसको खा के कैसी होती है। चलिए भाई चेक करो,
मैंने इतनी नहीं खाई थी। सबसे पहले मेरे को टेस्ट करने को मिलती है। अब ये लाते लूँगा। देखते हैं यहाँ पे। नॉर्मल है ठीक है। नॉर्मल है क्या? थोड़ा सॉसी का टेस्ट आ रहा है। थोड़ा सॉसी का टेस्ट आ रहा है सही काम। ठीक है तो यहाँ पे आप सॉसी मसाला भी खा सकते हो, पर लेकिन ये थोड़ी 15 रुपए की है, 50 रुपए की कॉस्ट है। यूपी खा सकते हो सही है, उसकी भी खराब नहीं है। ठीक है मतलब टोमेटो सॉस अच्छी मिक्स कर रखा है। हाँ तो वही ना, फिर वैसी जपी भी अच्छी है इस हिसाब से। ये 15 रुपए की बेना है 10 की है। हाँ ये है कि 10 वाली में वेजीज ज्यादा है और 15 वाली में वेजीज भी कम है, और थोड़ा टेस्ट वाइज भी थोड़ी लो। सही है। उसके बाद हम खाएंगे चिंग्स की हॉट गार्लिक है, तो हॉट गार्लिक तो मुझे बहुत पसंद है। देखते हैं ये कैसी होगी, लुक वाइज ऐसी है, देख सकते हैं आप। अब इनको फ्राइड कर ले, तो फ्राइड कर ले, ले थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। ये कौन सी हॉट गार्लिक? हाँ हॉट गार्लिक बहुत अच्छी होगी। ये चिंग्स की ना, चिंग्स की हॉट गार्लिक देखते हैं कितने की है। ये सही गार्लिक का टेस्ट तो है इसमें, अच्छी है भी, ठीक है, थोड़ी स्पाइसी भी है। हाँ स्पाइसी है। इसकी भी कॉस्ट 15 रुपीज है, तो मेरे ख्याल से तो आपको यप्पी, मेरे को तो फिलहाल मैगी और यप्पी सबसे अच्छी लगी। सॉसी मैगी से अच्छा ये प्रेफर कर सकते हो, ये अच्छी है चिंग्स की हॉट चिली। ठीक है तो उसके बाद अब हम जाते हैं इसमें, ये है ये मैगी का ही है स्पेशल मसाला, स्पाइसी यम्मी, तो स्पेशल मसाला वाली है। और इसकी कॉस्ट है तुम्हारी, इसकी कॉस्ट कितनी है यार? 18 रुपीज की है, 18 रुपीज की कॉस्ट है, और देखने की भी मैगी की तरह ये बिल्कुल, और इसमें थोड़े हर्ब्स ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, पत्ते पत्ते डले हुए हैं इसमें। देख लो गाइस जैसी मैगी का रेट बढ़ने वाला है, तो इनको भी ज्यादा चाहिए। लेट्स सी कैसे होती है, मेरे को सबसे कम मिली। इसके बाद में राहुल बताएंगे कुछ, नहीं राहुल भाई कैसी लगी है? स्मेल से तो काफी स्पाइसी लग रही है। राहुल लाइक कौन सा सी है ही नहीं मगर नहीं नॉर्मल है, नॉर्मल ही है, जीरे का फ्लेवर है बस हल्का सा। हां नॉर्मल है, जीरे का फ्लेवर है, उतना कुछ खास है नहीं इसमें। स्पाइसी के नाम पे तो मिर्च नहीं है ना, ना नहीं है, नहीं है। और 18 रुपए की जो कॉस्ट है इसकी, ये भी इसके तो मैगी खा, दो मैगी खरीदो भाई पेट भी उड़ जाएगा। 10 की मैगी खरीद सकते हो आप, 18 रुपए लेना। और इसके बाद हमारे पास है रामेन, टॉप रामेन की करी। वैसे इसको करी इसको सूप के साथ बनाया जाता है, पर हमने ऐसी बना दी है। इसका ये देख सकते हैं आप, इसका डिजाइन थोड़ा अलग है, टेक्सचर इसका थोड़ा अलग है, मतलब तो जो भी है मतलब अच्छा है। तो अभी देखते हैं इसको टेस्ट करते हैं कैसी होती है। और इसकी कॉस्ट है 20 रुपीज का, इसकी 20 रुपीज कॉस्ट है, तो देखते हैं अब इसकी प्राइस के हिसाब से इसकी कॉस्ट सही नहीं है, इसका टेस्ट देखते हैं हम कैसा है। अरे सॉरी खा ले इसको, तो जम गई है यहाँ पे ठंडी की वजह से। सबसे अभी तक का सबसे यूनिक स्मेल आ रही है इसमें से, अच्छी है आज ये, सही लग रही मुझे, और के हिसाब से तो ये सही है, बेटर भाई। वैसे करी वाली है ना इसमें, मतलब करी मत करती हो, पर जो भी है अच्छी है, 20 रुपए की कॉस्ट है, टॉप रेमन की करी। इसमें ऐसा ही टाइप में मतलब बहुत सारी हर्ब्स पड़ी है, हां इसमें तुलसी उसी टाइप की, मतलब अलग-अलग टाइप के फ्लेवर्स है इसमें, दिखा भी था तुलसी उसी, ये देखिए तो काफी चीजें है इसमें, उसका फ्लेवर टेस्ट भी आप प्रेफर कर सकते हो, अच्छी है काफी, अलग टेस्ट है सब मैगी से अलग। अगर आपको कुछ अलग ट्राई करना है तो उसके लिए ये टॉप रेमन का ट्राई करिए, बहुत अच्छी है करी के साथ, और उसे तो ये सही बहुत। तो अब हमारे पास लास्ट मैगी बची है जो सबसे एक्सपेंसिव है, 25 रुपए की है। ये है स्नैक टैग की, स्नैक टैग की ये मैगी है, मंचूरियन इंस्टेंट नूडल्स। ओके देखते हैं,
तो अभी हमारी इसकी कॉस्ट 25 रुपए है ना, हाँ इसकी कॉस्ट है 25 रुपीज। और अब इसको लास्ट ये बची है और इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी है। इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि स्मेल ऐसा लग रहा है नॉन वेज वाले नूडल्स है। बिग फेल 25 रुपए की यार स्टैंड नहीं कर रहे हैं। नहीं यार 25 रुपए का कुछ नहीं है, सब बर्बादी कर दी बे स्नैक टैग की। उसको देख के ही लग रहा है तो मसाले नहीं लग रहा है, नूडल्स मोटे हैं, बाकी लुक वाइज की भी अच्छी नहीं है और इसका टेस्ट भी इतना कुछ खास नहीं है। इसमें तो 10 रुपए की मैगी अच्छी है, इसमें मंचूरियन लिखा है ना, मंचूरियन का टेस्ट तो नहीं है इसमें पहली बार, ठीक है। और वेजीज ऑर्डर बहुत तगड़ा दिखाया पर है इतनी बिल्कुल बेकार है। तो गाइस लेकिन मैं ठीक है, मतलब खा सकते हो एक बार चेक कर लेना, इसे नहीं खाइए पर लेकिन गाइस इससे अच्छा तो मैगी सही है। तो गाइस इसको मैं बिल्कुल रेटिंग देने वाला, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो गाइस अभी तक सबसे अच्छी जो मैगी हमें लगी वो लगी हमें टॉप रेमन की, जो करी वाली थी वो बहुत प्यारी थी। मैं बोल रहा था तुझे लगी क्या अच्छी थी मेरे हिसाब से, सबसे सही बताऊं। और मुझे हॉट गार्लिक भी बहुत अच्छी लगी। अबे सही बताऊं मेरे को तो मैगी और यिप्पी लगी है। मैगी और यिप्पी तो है अच्छी। अगर उनके अलावा बताऊं तो मुझे देख उसमें तो बहुत हर्ब्स है तो वो थी कुछ खास ही लगी। ये तो इसको तो साइड रख ले, इसको ये तो साइड, ये तो बेकार, इसको तो मैं दो वो दूंगा रेटिंग पॉइंट 10 में से। बता कौन सी अच्छी लगी, सबसे अच्छी कौन सी लगी, मैगी और यिप्पी के लाओ। यिप्पी ठीक है यार, यिप्पी में वेजीज भी थे ना। देख उसके अलावा, उसके अलावा अबे यिप्पी और मैगी के अलावा पूछ रहा ना, देख वो तो मैं सेकंड नंबर पर रखूंगा, ठीक है टॉप रैमन, ठीक है। फर्स्ट पे मैं इसे रख सकता हूँ जो मैगी स्पाइस वाली थी, मतलब नॉर्मल मान, मतलब इसमें 18 रुपए का तो कोई वो नहीं था इसका, पर ठीक थी है। और तो सब ठीक थी। तो राहुल भाई को लगी यहां पे मैगी की स्पेशल मसाला वाली, ये देखिए वो यिप्पी वाला तो सॉसी वाला था, वो मुझे कौन सी लगी, मुझे रैमन की सबसे अच्छी लगी, टॉप रैमन की मुझे सबसे अच्छी मैगी लगी और मुझे कुछ खास नहीं लगी। और मैगी और यिप्पी तो अच्छी लगती है, चिंगे बताइए कौन सी अच्छी लगी। एक रैमन वाली अच्छी थी और एक यही सही थी, बाकी तो सारी पर देख भाई इनमें ये है ना, ये जितनी इनकी कॉस्ट है उसके हिसाब से स्टैंड नहीं करता, उसके हिसाब से मैगी स्टैंड करती है। मैगी और यिप्पी मैगी नॉर्मल, मैं तुम बताओ तुम्हें कुछ अच्छी लगी। मुझे तो मैगी ठीक लगी और यिप्पी नॉर्मल वाली, नहीं मैगी और यिप्पी के हिसाब से। इनके अलावा बता, टॉप रैमन ठीक है ना, मतलब सिर्फ करी के साथ बना दो वो वैसे भी काफी टेस्टी, वैसे भी काफी टेस्टी करी के साथ सारा अच्छी होगी शायद। तो कैसे जैसे कि मैगी और यिप्पी तो सबसे अच्छी है सबको पता है, उसके अलावा हमें लगी मैगी मसाला, ये स्पाइसी मसाला, ये 18 रुपीज की कॉस्ट है। और ये बहुत बड़ा स्कैम है, मत लेना आप लोग, बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन ये पैक का डाउनफॉल आ गया, ये आप ले सकते हो गाइस, बहुत प्यारी है। तो गाइस यार जैसे कि हमने टेस्ट किया और आपको बताया कि कौन कौन सी अच्छी है, तो आप इस हिसाब से प्रिफर करना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और अब जब भी मैगी लेने जाओगे मॉल वॉल में तो हमारी वीडियो देख के जाना, ताकि आपको पता चले कि कौन सी अच्छी है, आपका पैसा वेस्ट ना हो जैसे मेरा हो चुका है किसी में, जैसे ऐसी वैसी मैगियों में मेरा पैसा वेस्ट हो चुका है। और कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी थी, खा सकते हैं। तो गाइस यार थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। तो गाइस यार जैसे कि वीडियो हो चुकी है खत्म और हमें बहुत मजा आया टेस्टिंग करने में, काफी अच्छी अच्छी मैगी हमने टेस्टिंग की, मजा आया। और गाइस वीडियो यहीं पे खत्म होती है, और आपको अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और गाइस सर हाँ, अगर आपको कोई लगता है कि मुझे कौन सी चैलेंज वीडियो बनानी चाहिए, आपको कोई आइडिया है, लेकिन आइडिया मतलब इतने महंगे ऐसा ना दो कि मेरे ज़्यादा पैसे खर्च जाए, जिसमें मेरे पैसे भी कम खर्च हो और आइडिया भी अच्छा हो, ऐसा मैं अफोर्ड कर सकूँ ऐसा देना, क्योंकि जॉब वाला तो मैं हूँ नहीं। तो गाइस सर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। बाय बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।